फ्रेंड्स, देखो आज हम आपको एक और नए डिजाइन की लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना के बताएंगे। तो ये हम 5 नंबर के लिए बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आगे बढ़ें और आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आएँ। तो फ्रेंड्स, ये हम बताते हैं आपको किस तरीके से हम बनाएंगे। तो देखिएगा, हमने ये कपड़ा ले लिया है घेरे के लिए। तो ये कपड़ा हमारा बॉर्डर सहित है, तो हमने बाज़ार से ये बॉर्डर लगाया कपड़ा ख़रीदा है। तो देखिएगा, हमने इसकी लंबाई रख ली है 16 इंच और चौड़ाई है इसकी 3 इंच। तो यहाँ तक ये डिजाइन तक 3 इंच है इसकी और वैसे इसकी 2.5 इंच चौड़ाई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा कपड़ा है बॉर्डर समेत लगा हुआ। और अब हम आपको दिखाते हैं चोली का कपड़ा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चोली का कपड़ा है रेड कलर का, हम इसमें रेड कलर की चोली लगाएंगे। तो ये हमने कॉटन का कपड़ा लिया है और फ्रेंड्स, ये हमने अस्तर के लिए रूबिया का कपड़ा लिया है, क्योंकि ये वाला कपड़ा खिसक जाता है तो इसलिए हमने इसके अस्तर की जगह इसको रूबिया का कपड़ा लगाया है इस तरीके से। तो इसकी लंबाई हमने चोली के लिए ले ली है 6 इंच और चौड़ाई है इसकी 1.5 इंच। तो हमने ये दोनों साइड की पट्टी ले ली है, जिस तरीके से हम ऐसे चोली को मोड़ के बनाएंगे। तो थोड़ा हमने बड़ा काटा है क्योंकि दोनों साइड सिलाई में जाएगा इसलिए। और लंबाई हम जितना रखना चाहो आप कान्हा जी के हिसाब से नाप के उसी हिसाब से रख लीजिएगा। तो आप पहले अपने कान्हा जी का नाप ले लीजिएगा, फिर तो उसके बाद आप कपड़े की कटिंग कीजिएगा उसी नाप से। तो फ्रेंड्स, ये हम आपको बना के बताएंगे मशीन से, तो आप इसको हाथ से भी बना सकते हो। तो प्लीज़ लाइक, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हम बताते हैं आपको सिल के। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने कपड़ा लिया है वेलवेट टाइप में कपड़ा लगा हुआ, जो गोटा आता है हैवी वाला वो लिया है। तो इसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे, अस्तर वगैरह कुछ भी, इसमें पहले से ही ऑलरेडी लगा हुआ आता है। तो ये हम इसमें भर लेते हैं पलेटें, तो इस तरीके से हम इसमें छोटी छोटी पलेटें भर लेते हैं पास पास इस तरीके से। तो पहले हम ये घेरे को बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं इस तरीके से। पलेटें भर लेते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। देखिएगा फ्रेंड्स, ये घेरा हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बनाते हैं चोली। तो इस तरीके से हमने इसमें पलेटें डाल ली हैं। तो अब देखिएगा, हम चोली बनाते हैं। तो पहले हम इसको अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे, फिर ऊपर से ये कॉटन का कपड़ा रखेंगे। इस तरीके से हम ये रख लेते हैं और इसकी हम 3 तरफ से सिलाई लगा लेंगे दोनों पट्टियों की इस तरीके से। इस तरीके से देखिएगा, हम ये सिलाई लगा लेते हैं इसमें। ये हमने इसमें 3 तरफ से सिलाई लगा ली है। इसको अब हम उल्टा, तो देखिएगा फ्रेंड्स, उल्टा इस तरीके से हम किसी चीज की मदद से कर लेते हैं इसको, जैसे ये पेन वगैरह हुआ, इसकी मदद से इसको हम धीरे धीरे इस तरीके से। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने इसको कर लिया सीधा, इसको हम धीरे धीरे इस तरीके से खिसकाते हुए
सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी एक पट्टी बन जाएगी चोली की। तो दूसरी पट्टी भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी चोली की दोनों पट्टी बनके कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे अंदर की साइड सीधा वाला, और देखिएगा 1.25 इंच हम इसको यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। आप 1 इंच भी लगा सकते हो। तो देखिएगा, ज़्यादा बड़ा भी सही नहीं रहता है मुड्ढा, और छोटा भी सही नहीं रहता है, पहनाने में दिक्कत होती है फिर छोटे से। तो ये हम 1 इंच का लगा लेते हैं ऐसे डबल करके। हम यहाँ से नीचे की साइड ये सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से ये हमारा बन जाएगा मुड्ढा। इस तरीके से हम ये दोनों साइड सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से हमारा बाजुओं का बन जाएगा दोनों। इसको भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे, दूसरे वाले पार्ट को भी, और इस तरीके से नापते हुए दोनों को बराबर बराबर इस तरीके से। और इसमें भी हम लगा लेते हैं सिलाई। तो हमारे यहाँ से बन जाएंगे बाजू। तो हम लगा लेते हैं सिलाई तरीके से, फिर दिखाते हैं तरीके से। ये हमारी बन गई बाजू। इधर भी बन गई, और देखिएगा फ्रेंड्स ये इधर भी बन गई। दोनों साइड हमारी बाजू बन के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से पीछे वाले भाग को बराबर रख के हम यहाँ से 1 इंच छोड़ के ये सिलाई लगा देते हैं। इसको इस तरीके से रखते हुए देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी चोली भी बन के कम्प्लीट हो चुकी है। देखिएगा कितनी सुंदर बनी है। तो अब हमने ये यहाँ तक सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से हम ऐसे चोली को रखते हुए इस तरीके से, और हम आधा इंच अंदर की साइड ऐसे इसमें सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है। तो घेरा भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, और चोली भी काफ़ी सुंदर लग रही है। और देखिएगा अच्छे से फिट हो जाएगी, काफ़ी खड़ी खड़ी ड्रेस बनी है, क्योंकि हमने ऊपर बॉर्डर लगाया है और ये नीचे भी बॉर्डर वाला कपड़ा है इस तरीके। तो ये हमने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना के कम्प्लीट कर दी है। तो घेरा भी काफ़ी सुंदर लग रहा है इस तरीके से। ये हमारी ड्रेस आएगी लड्डू गोपाल जी के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें और आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।